नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परफ्यूम बनाने का फार्मूला, ठीक, कैसे हम घर पर परफ्यूम बना सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, गुलाब का फूल और आयल। अगर आपको बढ़िया परफ्यूम बनाना है तो आप ओली आयल ले सकते हैं, जैतून का तेल। और अगर आपको अगरबत्ती के लिए परफ्यूम बनाना है, जैसे अगरबत्ती का आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, अगरबत्ती के लिए परफ्यूम बनाना है तो आप अगरबत्ती का तेल जो आता है DAP आयल, ये आप ले सकते हैं। ठीक, अगरबत्ती का तेल आता है, ठीक, इसी में डिप किया जाता है अगरबत्ती, वही तेल है DAP आयल। ठीक, देखिए परफ्यूम का फार्मूला, दो फार्मूला होता है। पहला तो जैसे मैंने गुलाब जल का वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए गुलाब जल कैसे बनता है। तो मान लीजिए अगर हमें, पहला आपको फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस कुकर में गुलाब फूल और वाटर पानी इसमें डाल देना है, और इसके बाद यहाँ से कापर का पाइप लगा देना है। ठीक, तो गुलाब, जब हमने गुलाब जल बनाया था तो यहाँ पर हमने ठंडा किया था पानी से, लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ से डायरेक्ट जो इसका भाप बन कर आएगा, वो मान लीजिए इस बर्तन में हमें बनाना है। एक बात कर रहे हैं, इस मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक, इसमें हमें अगरबत्ती के लिए बनाना है तो अगरबत्ती का तेल DAP आयल यूज करेंगे, और अगर बढ़िया सेंट बनाना है तो आंवली ऑयल, जैतून का तेल। ठीक, तो मान लीजिए इसमें हम भर देंगे, जैसे बर्तन है ये, मान लीजिए 1 लीटर का बर्तन है। ठीक, तो 1 लीटर में हम आधा, इसमें आधा लीटर हम आयल भर देंगे। ठीक, आधा लीटर से कम ही भरेंगे, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, आधा लीटर से कम ही भरना है। ठीक, मान लीजिए 200 से 300 ग्राम हम इसमें आयल भर देंगे। ठीक, और उसके बाद जो यह भाप वाला आएगा पाइप, जो कुकर से आएगा भाप बनकर, वो इसमें हम एयर टाइट ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से भाप निकलना नहीं चाहिए। ठीक, और इस बर्तन को हम पानी में डुबा देंगे जिससे यह ठंडा हो। ठीक, समझ में आ गया, इस बर्तन को हम पानी में डुबा देंगे जिससे यह ठंडा हो जाए। तो यहाँ से जो भाप बनकर आएगा वह इस आयल में आएगा, और यह पानी में डूबा रहेगा तो इसमें वह ठंडा होता रहेगा। ठीक, तो उसका जो गुलाब का खुशबू है, आयल है, वो इस आयल में मिल जाएगा, इसमें आयल में खुशबू मिल जाएगा, और पानी इसका अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यह जब पूरा बन गया, ठीक, जैसे मान लीजिए आपने इसमें गुलाब के फूल और पानी डाला था, तो यह आधा घंटे 1 घंटे में पूरा बन गया। उसके बाद आपको ऐसे ही से 1 दिन के लिए रख देना है एयर टाइट, और उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, इसमें आयल और पानी दोनों रहेगा। ठीक, तो आपको यहाँ से एक टोटी, आपको ऐसा एक बर्तन लेना है जिसमें यहाँ एक टोटी लगा रहे नीचे, उसमें यह आपको डाल देना है। ठीक, और उसके बाद थोड़े देर के बाद, 1 से 2 घंटे बाद, यहाँ से आपको टोटी खोल कर इसका पानी निकाल लेना है। इसका जब तक पानी निकले तब तक निकाल लेना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। तो यह आपका परफ्यूम बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका अगरबत्ती के लिए बना रहे हैं तो आपको अगरबत्ती का तेल में बन सकता है, कोई झंझट नहीं। और अगर आपको बढ़िया बनाना है तो आपको आंवली ऑयल लेना होगा, जैतून का तेल। ठीक, यह हो गया पहला। और आपको दूसरा फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, डबल बॉयलर। ठीक, डबल बॉयलर मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। देखिए दूसरा फार्मूला है, आपको एक बर्तन लेना ना कोई, और इसमें आपको आयल डाल देना है। अगरबत्ती के लिए बना रहे हैं तो आप अगरबत्ती का आयल DAP आयल डाल सकते हैं, और बढ़िया आपको बनाना है तो आप ओली आयल, जैतून का तेल। ठीक, जैतून का तेल होता है, वह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें मैंने इतना आयल डाल दिया। ठीक, अब इसमें इस गुलाब आप फूल लाना है, इसे बढ़िया से धो लेना है, वाश कर लेना है, और इसके बाद इसका पंखुड़ी तोड़कर इसमें डाल देना है। ठीक, मैं तोड़कर दिखा देता हूँ। ठीक, पंखुड़ी तोड़ लिया, इसमें आयल पड़ गया है। अब इसमें आपको यह
जितना गुलाब का है वह सब इसमें डाल देना है। इस फार्मूले से लेकिन आप ज़्यादा मात्रा नहीं बना सकते हैं, थोड़ा मात्रा में आप चाहें तो यह घर पर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा का आपको बनाने के लिए वही वाला प्रोसेस करना होगा जो मैंने अभी बताया। ठीक, जैसे गुलाब जल बनता है उसी तरह से परफ्यूम आप बना सकते हैं। ठीक, सारा इसमें गुलाब का पंखुड़ी भरा गया। ठीक, अभी इसे थोड़ा दाब देना है और इसके बाद इसे एयर टाइट बंद कर देना है। एयर टाइट बंद हो गया। आप इसके जगह पर कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का, कांच का। स्टील का रहेगा तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा। ठीक, तांबे का आप किसी का भी बर्तन इसमें ले सकते हैं, इसके लिए कोई आपको ये नहीं है। एयर जो भी ले आपको एयर टाइट लेना है। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, वाटर, कुकर में आपको वाटर डाल देना है। इस फार्मूला को कहते हैं डबल बॉयलर। ठीक, इसमें पड़ गया। अब आपको इस बोतल, इस जो भी बर्तन है इसमें आपको डाल देना है। ठीक, अब गैस चालू कर देना है। देखिए गैस चालू हो गया। अब इस पर रख देना है और इसका ढक्कन आप किसी भी ढक्कन से इसे ढक सकते हैं। थोड़ा इसमें भाप बनता है, अगर एयर टाइट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें भाप निकलना चाहिए। ठीक, इसे आपको ज़्यादा कम और ज़्यादा हीट नहीं, मीडियम हीट पर, मीडियम आंच पर इसे गर्म करना है। ठीक, देख लेते हैं कितना गर्म हुआ। देखिए धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक, न ज़्यादा हीट रहे ज़्यादा और न ज़्यादा कम, मीडियम आंच पर इसे आपको गर्म करना है। ठीक, देखिए पानी खौलने लगा। ठीक, इसे आपको एक से डेढ़ घंटे, एक घंटे तक लग सकता है समय, मीडियम हीट रहेगा तो एक घंटा का समय लगेगा। ठीक, और ज़्यादा कम हीट रहेगा तो डेढ़ घंटे लग जाएगा, लेकिन आपका मीडियम हीट रहेगा, अगर मीडियम आंच रहेगा, मीडियम हीट, तो एक घंटे का समय लगता है इसे बनाने में। ठीक, अब यह तैयार हो गया। आपको थोड़ा और पकाना है, मुझे जैसे आपको वीडियो बनाकर दिखाना है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा है। देखिए इसका कलर थोड़ा बदल गया है, यह कलर एकदम वाइट हो जाएगा। ठीक, यह जो गुलाब का पत्ता फूल होता है पंखुड़ी, इसका कलर जब वाइट हो जाए तब आप लोगों को इसे बंद करना है आँच इसका। ठीक, अब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए अभी गुलाब इतना ही गला है, जब थोड़ा और यह गलेगा तो एकदम यह वाइट कलर हो जाएगा और यह गल कर कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब मुझे जैसे आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाना है इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। आपको जब यह बनाना है तो आपको एक दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। ठीक, अब थोड़ा ठंडा हो गया है। ठीक, इसे बनाने के बाद छानना पड़ेगा। इसमें अभी और है। ठीक,
थोड़ा छानना पड़ेगा। आप देखिए ये आपका गुलाब का परफ्यूम बनकर तैयार हो गया, यह बहुत बढ़िया क्वालिटी का परफ्यूम बनेगा ठीक। लेकिन आप इससे ज़्यादा मात्रा में अपना ही बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए आपको बहुत छोटा छोटा ज़्यादा बर्तन लगेगा, उसके बाद एक बड़ा बर्तन होगा उसमें आपको जैसे आपको डबल बॉयल करना पड़ेगा। और आपको अगर वो वाले फार्मूले से बनाएंगे जैसे गुलाब जल बनता है, तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यह बना सकते हैं ठीक। और आपको तब तक इसे पकाना है जब तक देखिए वो आप जब इसे पानी में उबालेंगे जैसे गुलाब जल बनता है, तो यह आपका एक घंटा ये भी टाइम लगेगा, लेकिन यह बहुत बढ़िया से इसका जितना सुगंध रहेगा वो आकर इस आयल में मिल जाएगा ठीक। अब यह आयल आपका जो हो गया परफ्यूम, अब इसे आप अगरबत्ती बहुत आसानी से बनाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगरबत्ती के लिए परफ्यूम नहीं खरीदना पड़ेगा ठीक, यह आपका उसमें काम कर जाएगा। और आपको बढ़िया क्वालिटी का बनाना है तो आप जैतून का आयल औली आयल उसे कहते हैं ठीक, वो आप यूज कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। और अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यह आप बनाकर घर पर अपने आप चेक कर लीजिए, ट्राई करिए ठीक। नमस्कार।